दमोह जिले के हटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही से एक मासूम की मौत का मामला सामने आया है। हटा के गौरी शंकर वार्ड निवास की मासूम बच्ची की टीकाकरण के बाद रात में अचानक मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक बच्ची के परिजन स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए टीकाकरण से मौत होना बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार ढाई माह की शांति पिता विनोद वाल्मीकि को उसकी नानी शनिवार को टीकाकरण कराने के लिए ले गई थी, जहां पर नर्स की लापरवाही से बच्ची को समय से पहले वाला टीका लगा दिया गया, जिसके बाद शाम को उस बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने बच्ची को शांत कराकर सुला दिया, लेकिन जब बच्ची सुबह सोकर नहीं उठी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं जब अस्पताल प्रबंधन से इस संबंध में पूछा गया तो टीकाकरण से मौत होने पर इनकार कर दिया गया। आंगनबाड़ी में बुलाया गया, आशा कार्यकर्ता लड़की को बुलाने आया कि इंजेक्शन लगना। यहाँ से घर से दादी लेके कर गई उनकी, तो वहाँ जाके उनको देखाया तो उन्होंने कार्ड एक साइड रख के और लड़की को इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाएं दी, तो वो दवाएं भी पिला दी, साथ में पोलियो की भी दवा पिला दी। फिर क्या हुआ उसके बाद? जब ऐसे लड़की को तकलीफ रही और लड़की रोती रही, तो रात में उसके बाद में लड़की रोती रही, फिर 11 बजे के बाद रोने लगी, तो उसको लेके हम लोगों ने चुप कराया। चुप कराने के बाद लटा दिया, फिर इसके बाद मालूम नहीं हम लोगों ने समझी सो गई। फिर सुबह देखा तो मृत्यु। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। अभी कहाँ गए? किसी के पास गए? अधिकारी से बात? अभी अधिकारी के पास नहीं, हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ कर गई आंटी ने देखा और रात उनको सिस्टर को बुलाया, उसको डांटा भी। कार्ड देखकर उससे बोला कि इसमें तुम्हें कब इंजेक्शन लगना था, कहीं ये फलाने दिन लगना था, तो कहीं एक लग चुका, कहीं दूसरा कब लगना था, कहीं ये भी लग चुका, कहीं तीसरा भी लग गया, कहीं कार्ड देखा था, कहीं हाँ देखा था, कहीं देखा था कार्ड, कहीं हाँ देखा था, कहीं देखो कार्ड। कल कभी 15 दिन बाकी है इंजेक्शन लगने में और तुमने 15 दिन के पहले का इंजेक्शन लगा दिया। कितने माह की थी बच्ची? लड़की थी अभी पौने तीन, ढाई तीन माह की, पौने तीन माह। मोड़ी के लिए आंगनबाड़ी इंजेक्शन लगवाने, हाँ। तो उन्हें कार्ड नहीं देखा, इंजेक्शन लगा दिया मोड़ी को। हम लोग वापस ले आए, वो शाम को रोई, फिर हम लोगों ने शाम को उसको सुला दिया। फिर सुबह हम लोग अस्पताल लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देखा कि मतलब भी खत्म हो गया। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने और यही बताया था कि मतलब टीकाकरण की वजह से मौत हो गई। हाँ। कब होना था इसका टीकाकरण? इसका टीकाकरण 3.5 महीने में होना था। कब हो गया इसका? इसका टीकाकरण 5 तारीख को। मतलब पहले ही कर दिया? पहले कर दिया, और पहले वाला टीकाकरण 17 तारीख को हुआ। वो है आंगनबाड़ी वाली, वो का नाम आंगनबाड़ी में लगाया था टीका। हाँ, आंगनबाड़ी में लगा था, वो घर आके बुला। मैं इसमें यही कहूँगा कि टीकाकरण के कारण नहीं हुई है, चूँकि टीकाकरण के कारण होती तो 1 घंटे मौत हो जाना चाहिए थी। और उसकी बच्चे की मौत जो है टीकाकरण के लगभग 10 या 12 घंटे के बाद हुई है। तो जो जो बच्चों के डॉक्टर रहते हैं, DIU हैं जो हमारे ज़िले के, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर मौत होती थी उससे, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर, आपने कार्ड देखा बच्चे कार्ड देखा था उसमें? सर, आपने खुद कहा है कि हाँ, समय की पहले। हाँ हाँ, तो मैंने उसमें देखा कि 17 तारीख को उसको पहला डोज लगा 55 दिन, और जो है सेकंड डोज उसको लगना था 17 दिसंबर को, 17 जनवरी को लगना था। तो सिस्टर ने जो है, जो कल्पना गौतम है, उन्होंने 5 तारीख को लगा दी, यानी कि 12 दिन पूर्व लगा दिया। फिर मैंने जो है, जब अपने DIO साहब से जमू में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि अगर जल्दी लग जाता तो उससे मौत नहीं होती है, मौत होती है तो 1 घंटे के अंदर। लेकिन सर, कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है, उसमें वजन भी नहीं लिखा गया कार्ड में। कार्ड में वजन हाँ हो सकता है नहीं लिखा हो, लेकिन उसमें तारीख तो डली हुई है। जो फर्स्ट डोज जो पेंटावेलेंट का लगा हुआ है उसमें तारीख डली है, और सेकेंड का भी जो 5 तारीख को लगा उसमें उसने डाला है। आप मानते हैं नर्स द्वारा लापरवाही की गई? उसने हाँ, उसको चूँकि वो ट्रेंड नर्स है, उसको कम से कम 4 हफ्ते बाद जो पहला डोज लगा है उसके 4 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद लगाना था। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? मैं उसको अपने अधिकारी को बता दूंगा और उसकी कार्रवाई करूंगा। दमोह से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सेन की रिपोर्ट।